हेलो एवरीवन वेलकम टू द न्यू चैनल गाइस आप सबका स्वागत है मेरा नाम शुभोजित है सो so गाइस आज हम बात करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन वी जॉन हेयर रिमूवल क्रीम फॉर मेन एंड वीट हेयर रिमूवल क्रीम फॉर मेन सो गाइस दोनों ही ट्यूब्स खत्म हो चुके हैं दोनों ही ट्यूब्स को मैंने बहुत ज्यादा यूज करके देख लिया है और अब मैं सोच रहा हूं कि क्यों नहीं आपको बताया जाए कि कौन सा हेयर रिमूवल क्रीम फॉर मेन इज गुड फॉर यू बिकॉज बहुत लोग बहुत ज्यादा स्केप्टिकल है इन नोइंग दैट वेदर वी शुड अप्लाई इट और नॉट बहुत सारे कमेंट्स मेरे चैनल पर दूसरों के चैनल पर हैं जो बोल रहे हैं कि मत यूज़ करो इट इज़ नॉट गुड बट आई विल से दैट काइज इट इज़ नॉट बैड दिस हेयर रिमूवल क्रीम्स आर लाइक अ बूम टू मैन बिकॉज हम रेजर्स यूज करते हैं हम शेवर्स यूज करते हैं उससे वहाँ के स्किन हार्श हो जाती है मोटे वाले बाल आ जाते हैं कभी कभी कट भी जाता है लेकिन ये अगर आप यूज करते हो हेयर रिमूवल क्रीम्स तो कटने का या फिर रैश आने का या फिर कहीं पे मोटे बाल आने का ये सब चीजें नहीं होती हैं तो यू शुड गो फॉर हेयर रिमूवल क्रीम्स सो so, आज हम बात करेंगे कौन सा बेटर है इसमें से आई हैव डिवाइडेड द डिफ्रेंसेज बिटवीन फोर कैटेगरीज फर्स्ट बींग द ओरिजिन सेकेंड बींग द इंग्रीडियंट पार्ट थर्ड बींग द स्मेल एंड फोर्थ बींग द पैकेजिंग एंड द प्राइस सो स्टेट भाई सबसे पहले ओरिजिन पे मैं क्यों बात करना चाहता हूं बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज रिसेंटली टॉक्ड अबाउट थिंग वोकल फॉर लोकल यू हैव टू सपोर्ट लोकल कंपनीज बाय लोकल प्रोडक्ट्स टू मूव द इकोनॉमी ऑफ इंडिया सो गाइज आपको क्या करना चाहिए आपको लोकल प्रोडक्ट्स बाई करना चाहिए सो इन दोनों में लोकल कौन है ये भी एक कंफ्यूजिंग और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाई वी जॉन जो का जो क्रीम है वो लोकल ब्रांड है इंडियन कंपनी है मेड इन इंडिया है बट ये वाला जो ब्रांड है वीट इट इज़ एन इंटरनेशनल ब्रांड इट इज नॉट लोकल बट इट इज ऑल्सो मेड इन इंडिया दिस इज ऑल्सो मेड इन इंडिया इट इज योर चॉइस इफ यू वॉन्ट टू बाई अ लोकल ऑरिजिन कंपनी इंडियन कंपनी यू कैन बाई द वी जॉन हेयर रिमूवल क्रीम फॉर मैन अगर आप इंटरनेशनल कंपनी को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं ये इसको भी बाई कर सकते हैं बिकॉज ये भी मेड इन इंडिया ही है So guys, इसके बाद हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स दोनों ही साइड्स आपको दिख रहे होंगे वीजॉन एंड वीट के हेयर रिमूवल क्रीम के इंग्रेडिएंट्स गाइस इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि जो केमिकल सब्सटेंस है हर हेयर रिमूवल क्रीम में आपको केमिकल सब्सटेंस दिखेंगे जो यहां पे भी दिख रहा है जो गौर फरमाने वाली बात है वो है कि जो वीजॉन का इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है और आर्गन ऑयल है और इसके जो दो और वेरियंट्स हैं उसमें होहोबा ऑयल है एंड ऑलिव ऑयल है सो so, ये जब हर्बल चीजें नेचुरल चीजें ऑयल्स इंट्रोड्यूस होती हैं किसी क्रीम में ये आपके हार्मनेस को कम कर देती हैं तो जो एसिडिक या फिर जो केमिकल सब्सटेंस है, उसके असर को ये आर्गन ऑयल या फिर ये होहोबा ऑयल ऑलिव ऑयल कम कर देगा जो वी जॉन में है बट वीट हेयर रिमूवल क्रीम में ऐसा कोई भी ऑयल मौजूद नहीं है तो अगर आप वीट यूज करते हैं तो पूरा केमिकल ही आपके हाथों में लग रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि वीट का काम नहीं होता है या वीट लगाने से सबको रैशेस हो जाएंगे नहीं वीट भी अच्छी ब्रांड है लेकिन वी जॉन इज बेटर देन वीट इन द इनग्रीडियंट कैटेगरी जस्ट बिकॉज इट हैज आर्गन ऑयल एंड होबा ऑयल एंड ऑलिव ऑयल विच मेक्स दिस ब्रांड विच मेक्स दिस प्रोडक्ट बेटर दैन एनी हेयर रिमूवल क्रीम फॉर मैन इन इंडिया सो आई विल गो बाई दिस इन दिस कैटेगरी सो गाइज अब बात करते हैं स्मेल स्मेल बहुत बड़ा एक फैक्टर है जैट्स वाई आई हैव केप्ट डिफरेंट कैटेगरी इसका जो स्मेल है वीट हेयर रिमूवल क्रीम का इसका स्मेल पंजेंट है इसका स्मेल केमिकल भरा हुआ है इसको लगाने के बाद पूरा बाथरूम महकने लगेगा और आप दो तीन घंटे तक एंटर नहीं कर पाओगे बाथरूम में जस्ट बिकॉज इसमें केमिकल इतना ज्यादा होता है काम दोनों का ही सेम है हेयर रिमूव करना बट इसमें केमिकल का स्मेल बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन टू तो दिस वीज ऑन हेयर रिमूवल क्रीम इसका स्मेल बहुत ज्यादा मेडिसिनल है आप जब इसको लगाओगे तो आपको लगेगा कोई लोशन लगा रहे हो आप इतना एंटीसेप्टिक मेडिसिनल इसका स्मेल है और कोई इसका बाथरूम में स्मेल नहीं रह जाता है या फिर जो लोग वीट नहीं लगाते हैं या हेयर है रिमूवल क्रीम नहीं यूज करते हैं स्मेल के वजह से ट्राई दिस वन वंस यू विल रियली रियली लाइक इट so सो अब बात करते हैं द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट विच इज पैकेजिंग एंड प्राइस पैकेजिंग में गाइज वीट के दो वेरिएंट्स आते हैं एक 50 ग्राम का और एक 100 ग्राम का ये 100 ग्राम का है बट वी जॉन का सिर्फ 60 ग्राम का पैकेजिंग ही में ही आता है सो यू हैव टू बाय इफ यू वांट टू बाय मोर यू हैव टू बाय ट्यूब्स लाइक दिस ओनली यू विल नॉट गेट बिगर ट्यूब्स ऑफ ट्यूब बट हेयर यू विल गेट बिगर ट्यूब्स इन दिस कैटेगरी इट इज बेटर वीट इज बेटर बिकॉज यू गेट अ चॉइस अब बात करते हैं प्राइस पे प्राइस ये जो 100 ग्राम का वीट का ट्यूब है दिस कॉस्ट ऑलमोस्ट 199 व्हिच इज टू जॉन का 60 ग्राम का जो ये ट्यूब है ये आपको पड़ेगा हंड्रेड रुपीज में तो अगर आप ये दो लेते हो 120 ग्राम तो ये पड़ेगा आपको टू हंड्रेड रुपीज में वेर एज हंड्रेड ग्राम का वीट आपको पड़ेगा टू हंड्रेड रुपीज में तो ट्वेंटी ग्राम का फायदा है अगर आप वीजॉन लेते हैं तो सो गाइज यही चार पॉइंट्स थे इन दोनों के डिफरेंस को सही से बताने के लिए आई होप आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपको यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से तो आपको वी जॉन हेयर रिमूवल फॉर मेन जरूर इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप हेयर रिमूवल क्रीम से थक चुके हैं अगर आपको रैश हो रहे हैं या फिर कोई आपको नेगेटिव वाइब्स है हेयर रिमूवल क्रीम को लेके आप वी जॉन का एक बार ट्राई करके देखिए आई थिंक आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हेयर रिमूवल क्रीम्स को लेकर वो चली जाएंगी एंड यू विल रियली 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 थैंक मी फॉर दिस सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लीज 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 इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर वॉचिंग टिल नाउ and see you in my next video. Thank you so much.